खबर लैंदे हां गिदड़बाहा तों। बठिंडा रेल जंक्शन च पैंदे पिंड दौले नेड़े रेलवे लाइन दे हेठों लंघदी कस्सी दे विचों एक व्यक्ति दी लाश मिलन दा समाचार प्राप्त होया है। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए रेलवे पुलिस दे परमपाल सिंह ने दस्या है कि स्टेशन मास्टर राहीं उन्हां नूं अज सवेरे सूचना मिली सी कि रेलवे लाइन हेठों लंघदी कस्सी विचों किसे व्यक्ति दी लाश पई है, जिस ते मौके ते पहुंच के लाश नूं कब्जे विच लै लिया। उन्होंने दस्या कि लाश बुरी तरह गल चुकी है और 40 तो 45 साल दे व्यक्ति दी ये लाश है। जो लाश वेखी गई है बिल्कुल नगन अवस्था विच सी। उन्होंने दस्या कि मृतक व्यक्ति बारे अजे तक कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो सकी। और दूसरे पासे मृतक दी लाश श्री विवेक आश्रम दे शमिंदर सिंह मंगा दी सहायता नाल सिविल हस्पताल गिदड़वाहा दे मुर्दा घर विच अगले 72 घंटियां लई रखवा के अगली कारवाई शुरू कर दित्ती है। इस संबंध च की गलबात हुई है, आओ सुनते हां। नेम गून सिंह है जी मेरा, वासी पिंड दौला जी। मामला इत्थे जी सारा जी ना कस्सी टप दी जी साडे इत्थे वाणा कोल दी। इत्थे ना सानू एक दो दिन पहला डेड बॉडी दा पता लग्गा वी इत्थे आके पुल च फसी खड़ी है। तो असी उहदी इतला पुलिस थाने च देती सीगी जी भी अज उहनू डेड बॉडी पुलिस कर्मचारी नाल ने साडे डेड बॉडी नू कढ के बाहर रख दिता है। तो असी बस एको ही साडी मंग है जी भी एक तां इह पुल बहुत ज़्यादा नीवा है, इत्थे कदे गले साडे पशु आ जांदे जी मरे हुए ते अड़ जांदे जी, इत्थे पानी वाटर वर्क्स नू भी जांदा है ते घरां दे लोग भी भर के लैके जांदे इत्थों पानी। उहदे कारण जी इहनू सानू पुल दी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। इसकी उच्चा कराया जाए जी, एक तो इनू इनू घट्टो घट ना बड़ा तो महीने च दो बारी कढ़वाने जी असी, थोड़ा जहा पीड़ा चाहिए पुल, यह डूंगा बहुत ज़्यादा है। बस साड़ी यही मंग है जी सानू इस पुल की दो वाटर वर्क सानू पानी जाता जी यदा, तो सानू यदा कोई ना कोई हल करके दिता जाए जी। सर जी मेरा नाम शमिंदर सिंह है, मैं विवेक आश्रम एंबूलेंस से ड्राइव करता है। सानू मैंने सुबह कॉल आई रेलवे पुलिस वालों कि पिंड दौला कोल कोट भई रजवाहा माड़ो कस्सी को दे विच एक पुल के नीचे रेलवे पुल के नीचे भी डेड बॉडी पई है। असी उत्थे जाके वेख्या कि बिल्कुल गली सड़ी हुई लाश सी, जिसनों बाहर कढ के असी उसनों हुण सिविल अस्पताल गिदड़वाहा पहुँचा रहे हैं जी शिनाख्त वास्ते। मौला सर एक सानू मीमो मिली सी, स्टेशन मास्टर गिदड़वाहा ने मीमो दिती सी जिन्होंने दसा भी दौले तो अगे जाके एक कस्सी है उहदे विच एक डेड बॉडी फसी हुई है जी। तो हूँ असी मुलाजम आए हैं इतने, तो विवेक आश्रम की वैन मंगाई है, तो वो सारे असी मतलब कि हूँ उन्होंने बाहर कढ़ लिया जी। तो दौले तो थोड़ा जहा अगे जाके आए डंडे वाली साइड में कुछ शिनाख्त वगैरह हुई है जी? शिनाख्त नहीं, बिल्कुल गली सड़ी लाश है जी, घट्टो घट्ट 8-10-7 दिन पुरानी लगती है देखने जी ना। तो वह मतलब कि किलोमीटर पैंदा यह 23-5-6 पुली नंबर 36, तो जिसन पिंड वासियों के सहयोग ने असी बाहर कढ़ लिया, जिसकी अगलेरी कार्रवाई आने जा रही है। किस तरह की कार्रवाई होगी इस इन कितने रखा जाएगा जी? इस मोर्चरी के सिविल अस्पताल रखा जो 72 घंटे वास्ते शिनाख्त के लिए, शिनाख्त करवानी जरूरी है इसलिए उसे 72 घंटे वास्ते रखा जाएगा। मौजूदा हालातों पर नज़र मारीए तो इंसान तरह तरह बीमारियों नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है। और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया, जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तों नजात दिवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां दी सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल की कमजोरी, खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है, और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, वह हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94-784-84-087।